वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को मिलकर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है। ये प्ले काफी मजेदार और फ्यूचरिस्टिक है। इसके अंदर बात की जाएगी कि कैसे दोस्तों जो हमारे प्लैनेट्स हैं, देखिए सबसे पहले क्या आता है, मर्करी, वीनस, फिर हमारा प्लैनेट अर्थ, उसके बाद मार्स, फिर आगे और भी हैं। तो ये जो मार्स प्लैनेट है उस पे रहने वाले जो एलियंस हैं दोस्तों, वो डिसाइड करते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे आके इस पे पूरा कब्जा कर लेंगे, अटैक कर देंगे। पर दोस्तों ये अटैक हो नहीं पाता है। जो एलियंस हैं वो अर्थ पे आते हैं, पर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि वो एक बुक पढ़ लेते हैं मदर गूस नाम की, जिसके अंदर कुछ नर्सरी राइम्स होती हैं। एक नर्सरी राइम है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, जो कि है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। तो दोस्तों वही नर्सरी राइम पढ़ के ये मार्स के लोग वापस चले जाते हैं, अर्थ पे कब्जा नहीं करते। ऐसा क्या है उस राइम में, इसी चीज का जवाब हमें इस प्ले से मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी लोकेशन देखिए दोस्तों थोड़ी सी अलग अलग है। कुछ ऐसे एलियंस हैं मार्स के जो कि मार्स पर ही रहते हैं, पर कुछ ऐसे एलियंस हैं जो कि अर्थ पे आ गए हैं अर्थ को पूरा कैप्चर करने के लिए। तो उन दोनों के बीच की जो बातचीत है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होती है, ये जब एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं सारे एलियंस और वहां पे जब उनको वो मदर गूस वाली बुक मिलती है, तब उनका क्या रिएक्शन होता है, बुक को वो क्या समझ लेते हैं, वो पूरी कहानी हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। इस कहानी को नेक्स्ट लेक्चर से हम वर्ड बाय वर्ड बहुत ही अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो फिर दोस्तों अब आगे जब हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, इसको सही तरीके से समझने के लिए मैंने पूरे प्ले को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम यहां पे मार्स स्पेस कंट्रोल की बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे मार्स के जो लोग हैं उनका जो स्पेस कंट्रोल है, वहां पे क्या डिसीजन लिया जाता है, अर्थ पे अटैक करना है, क्या पूरी प्लानिंग होती है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। थोड़ा कैरेक्टर्स का भी हमें पता चलेगा कि सबका क्या रोल होने वाला है। फिर दोस्तों हम सेकंड पार्ट में समझेंगे सैंडविच के बारे में। अब भला ये सैंडविच क्या है, ये बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे जब एलियंस लाइब्रेरी में घुस जाते हैं वो बुक को एक सैंडविच सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये सैंडविच नहीं है बल्कि कोई कम्युनिकेशन सैंडविच है, फिर कहते हैं कि कोई आई कम्युनिकेशन सैंडविच है। तो ये पूरी कंफ्यूजन हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और लास्ट में दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे इन लोगों को समझ आ जाता है कि ये कोई सैंडविच नहीं है बल्कि एक बुक है, मदर गूस नाम की ये बुक है। हम इसी में वो नर्सरी राइम का जो रोल है उसको समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इस पूरे प्ले को खत्म करने के बाद लास्ट में इसको शॉर्ट में रिवाइज भी किया जाएगा और एंड में जो भी इंपॉर्टेंट बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ अवेलेबल होंगे। उन सबको भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों इस प्ले को मिलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से अगले लेक्चर से रीड करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।